अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। और यहाँ पे मैं बना रही आलू की तहारी, तो मैं कुकर में बना रही। तो मैं गोश्त की बनाना भूली थी, तो बर्फ़ बने हुआ था गोश्त और मेरे को जल्दी बनाने का था, तो इसलिए मैं क्या करी आलू की ही तहारी बना दे रही। तो बच्चे छुट्टी में है, तबीयत ठीक नहीं है बच्चों की, सर्दी खांसी थी तो स्कूल नहीं गए आज बच्चे, इसलिए मैं तहारी बना दे रही, बच्चे भी खा लेते, छुट्टी भी अच्छी हो जाती है लगा के। अभी बन रही, तो यहाँ पे मैं लगा दी ढक्कन, तो दो सीटी लेती भाई, उसके बाद तहारी का ढक्कन खोलती हूँ, मतलब पूरा नहीं निकालती भाई, 10 मिनट ऐसी छोड़ देती हूँ उसको, उसके बाद ढक्कन खोलती हूँ भाई, भाप में ही बंद हो जा, मतलब दम हो जाती बिरयानी तहारी। तो मेरे को बर्तन धोना है, सुबह में नाश्ता नहीं बनी थी, होटल से ला लिए थे हम लोग आज नाश्ता, बाहर काज कर लिए, तो वो सुबह के नाश्ते के 6 बर्तन रात के, मैं रात में धो के सो गई थी, तो अभी मैं तहारी बनी थी तो चावल धोई थी, तो वो साथ का साथ धो दी, तो मैं बाद में भेजूँ खाना खाए के बाद। तो आज इन्हें जल्दी चले गए काम पे, तो इसलिए तो बोले तभी ठीक है, ये कहाँ बना के तुम नाश्ता, मैं ले लेके आती हूँ, बोले आज बाहर से लेके आए थे, तो हम लोग साथ पूरी नाश्ता करे थे, तो अपने यहाँ पे आलू की तहारी बना रही, और शाम भी बनाती मैं बघारे बैगन, कहीं वो तो मैं तरकारी नहीं लेके आई, आज है जुमेरात मंडी लगती, तो देखती हूँ ना आए के बाद जाती हूँ, अगर जल्दी आए तो जाके लेके आती हूँ तरकारी, नहीं तो जाने दो, फिर उनके साथ ही जाके जो ले लेती हूँ जुम्मा मंडी से। तो यहाँ पे मैं आलू काट के रखी थी, तो कचरा और 2 आलू है मैं रखी इस पर, तो बैगन है मेरे पास, तो बघारे बैगन बनाती हूँ, शाम में चावल बना लेती, तो अब तो हम लोग खाना खा लेते, मतलब लंच हो जाता, तो तहारी बना ले रही, आलू टमाटे बैगन थे घर में, तो इसलिए तो यहाँ पे तहारी बनाने के वास्ते रख दी आलू की, बाद में साफ करती चूल्हा। पे तहारी बन के रेडी हो गए, तो देखो कितनी अच्छी बनी, हाँ ऐसी छुआ ले लो शिरिन, तुम आलू की तहारी है तो आलू चाहेंगे ना इसके अंदर, तो माशाल्लाह से अच्छी खुली खुली वाली, फिर 2 सीटी लगी हुई इसके अंदर, नल भी खुला, पानी तहारी। तो यहाँ पे बना रही मैं अंडे का खागीना, और यहाँ पे रखी चूल्हे पे चावल, तो यहाँ पे अभी मैं प्याज रखी तेल डाल के तलने के वास्ते, तो टमाटे नहीं डाल के बना रही मैं सादा अंडे का खागीना बना रही, चावल भी बन रहे। प्याज लाल हो गई थी तो मैं इसके अंदर डाली नमक और अदरक लहसुन डाली मैं इसके अंदर, खागीना बना रही क्या बना। और यहाँ खाना दम पे रखी मैं, बन गया खाना, और 5 मिनट धीमे चूल्हे पे रखी मैं, तो मैं डाल रही हल्दी, और इसमें डाल रही मैं लाल मिर्ची, तो स्टर में से गिलास लो, वहाँ जग में भर के रखी, देखो मैं पानी सुराई में भरी भरी, वहाँ सुराई में भी है पानी पियो,
तो अब मैं इसके अंदर डालती हूँ अंडे। तो मैं इतनी प्याज में 7 अंडे डालती हूँ भाई। तो ये 5 थे बड़े प्याज के डलिया, तो मैं इसके 7 अंडे डालती हूँ। तो मैं अब डाल रही इसके अंदर अंडे। तो पहले मैं ये दो डाल रही हूँ, मतलब दो दो डालती हूँ, एक साथ डालती हूँ, मैं छिट्टे आ जाते देख के डालती। इसमें देख कितना बड़ा है ये अंडा है। इस बड़ा था, मगर दो है समझ में इसके अंदर, पीले में थी एक ही थी। अब इसको मैं ढाक के तभी अब दार इसमें कोथमीर और थोड़ा करिया पर मैं बनाती हूँ। देखिए बघारे वगैरह, मगर दिल नहीं बोला मेरे को, इसलिए पापा फोन करके खागिना बना रहे थे। खागिना इसमें थोड़ा पानी डाल लेती हूँ। थोड़ा अंडे नहीं फोड़ के, मतलब इसमें मिला के नहीं एक साथ, ऐसी तरह से मैं इसको सारी बीच इसलिए नीचे दाग पकड़ रहा हूँ, पानी डाली थी पका के बाद में बताती। तो यहाँ पे अंडे का खागीना बन गया। तो ऐसा बनाती हुए अंडे का खागीना, अंडा ऐसा आना साबित साबित बोलते हमारे शहर। पूरा मिलाए तो उनको पसंद नहीं आता अंडा, इसमें फेंट देते ना अपन डाल के पूरा, तो वैसा नहीं पसंद आता उनको, ऐसा आना बोलते ना अंडा खाने में, ऐसा साबित आना बोलते, तो अच्छा दिखता बोलते अंडे का खागीना। तो मैंने जैसा बोलते वैसे ही बनाती। तो मैं बघारे खाना बना रही, तो आज जुम्मा है, आप सबको जुम्मा मुबारक। तो मैं बघारे खाना दाल का बना रही, कोथमीर और पुदीना काट के रखी मैं। तो प्याज जल्दी लाल होने के बाद से मैं डाल रही नमक, अब मैं इसमें डाल रही अदरक लहसुन। खेलो मिल के खेलो करते हल्लो 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 फिर इसके अंदर धार रही मैं लाओगा रही लेती।
और ये दारे में शाही जी रायतन और मैं दारी दाल चीनी बैदारी तो तीरा पुदीना किचन में धो के रखी थी। हाँ कहाँ है हाँ हमारी और साथ में मैं दाल बना रही हूँ, नहीं दाल चाय बना रही हूँ, तो दाल चढ़ाती हूँ। अरे पकते रहता और चाव दाल तो मैं बैंगन का दाल चाय बना रही हूँ आज। तो मैं तो उनकी दाल का बना रही दाल चा चने की दाल नहीं है, मैं ही तो सुधावे पूरन बना ली, तो पूरन बना ले पूरन पूरी बना के खाई मैं, तो इसलिए यहाँ पे तो उनकी दाल का दाल चा बना रही। हरी मिर्ची रखी थी मैं तो यहाँ मैं दाल भी इसके अंदर में डाली पानी इसमें डाली अब वो नहीं होना था पिसल पिसल जाती तो मैं इसके अंदर डाल रही ये हरी मिर्ची थोड़ी सी, आज जुम्मा मंडी है तो मैं जाके लेके आती हूँ तरकारी इन आए के बाद। तो मैं मंगाई थी अब्दुल रज़ाक से थोड़े टमाटे तो इधर दाल भी गल जाती और खाना भी बन जाता। आ गया था मैदारी चावल शांति पकड़ के थोड़ा रुको रुको क्या करना मेरे को हो रहा है।
साफ करी थी चूल्हा में चावल जल्दी। चलो बस ठीक है मैं बनाती हूँ। तो मैं यहाँ के दाल चा मतलब दाल गला के रखी, तो इसमें मैं दारी नमक तो गोश्त गला बना पहले हंडी चढ़ बना दे रही गोश्त की। इसमें मैं डाली 3 प्याज के डली और मिर्ची नमक डाल के अच्छा बना लेती हूँ इसको पहले अच्छे से। टमाटर तो मैं दाल में डाली, इसको घोटना है, मैं इसको घोट के खट्टा डाल के जब तक यहाँ पे गोश्त गल जाता। मैं अच्छे से इसमें गोश्त गल लेता सीटी लगाती हूँ। कोई बात नहीं धो के लगाऊंगी मैं। तो मैं यहाँ पे बैगन डाल रही काट के रखी, पकाते पकाते गई बीच में मंडी को रख के ऐसे चले गई ना आई तक तरकारी लाने गई थी मैं जुम्मा मंडी के आज। तो इन्हें लेके आई थे चिकन, अब मैं मसाला लगाती हूँ चिकन को। मसाला लगा के चिकन कर तो यहाँ पे दाल चा वही रखी, इसमें डाली भाई दाल खट्टा वो डाल के उबाल ली थी अच्छे से, तो इसमें मैं डाली बैगन जो मैं गोश्त और बैगन मिला के गलाई थी वो डाली, और यहाँ पे चिकन तलने के वास्ते रखी मैं, मसाला लगाना है चिकन को तो मैं इसमें डाली तेल। तो मैं बनाई बघारा खाना और दाल चा, तो इन्हें लिखे चिकन अब भी काम से आए तो ले लिखे चिकन इन्हों, तो इसलिए मैं तब ऐसे धार लिया अदरक लहसुन मसाला लगा के रखती रही आप डायरेक्ट तल देती हूँ, देर हो गई मेरे को। फिर मैं वो पकाते पकाते चले गई बीच में रोक के तरकारी को, तो तरकारी ले लेके आई। अब मैं इस पर अच्छे से हैवी ला लेती चिकन को, तो अच्छा नहीं था आपका जरा अच्छा है।
तो अब मैं इसे ला रही चिकन। तेल गरम हो गया था ना, पहले मेरे को देर हो गई इसलिए मैं चिकन को मसाला लगा के नहीं रख रही, फिर डायरेक्ट डाल दी। दालचीनी डाल रही गरम मसाला, मैं पहले नहीं डाली थी अब डाल रही। तो ये मैं घर में पीसे से है, मतलब घर का है, और मसाला डाल के फिर अच्छे से एक उबाल लेती है, उसके बाद दाल चावल की रेडी हो गई। और यहाँ पे मैं खाना बना के रही भैया चिकन तलने के वास्ते रहे, किसको मैं ऊपर नीचे करके चमचे से उसको मैं ढाक के पका दूँ। नीचे दाग लग रहा था ये। अच्छे से नीचे ऊपर करके हिला के भाप के पहले तक दाग पकड़ रहा था इन्हें। इसको शॉर्ट में डाल देते हैं, समझ गए ना। तो भैया पे चिकन तल के निकाल रही हूँ। क्या बात है कि मेरे को जब देर होती और देर होती पकाने में, तो अब मैं देर से बनाई, फिर नहाए, फिर मंडी को गई, फिर पकाई, तो 10 बज गए 10:30 हो रहे। तो ऐसा हो जाता, मैं जल्दी पकाई सदी जल्दी बनाती मैं। आज मैं बना रही थी खाना सालन, फिर इन्होंने लेके आए तो तल दो बने दाल चावल बनाए ना तलोगे तो मैं चिकन तल दी। तो इतनी देर हो गई आज, तो ये तल के निकाली मैं और साथ में डाल देती मैं। तो ये डोबा करके तल देती हूँ 1 किलो चिकन में। दस्तरखान बिछाई और इन लोगों को बुलाई तो आ रहे ऊपर है, लगा बैठे हुए टीवी देख रहे। तो ये देखो मैं आज बनाई थी बैंगन का दाल चा और चिकन तली और बघारा खाना, जुम्मे के दिन बघारा खाना दाल चा तो बनता, तो भाई चिकन तली तो इन्होंने लेके आए थे। तो मैं सोची कल खोरमा बनाना, तो इन्होंने बोले नहीं नको कल लेके आ तुम्हें, आज तुम चिकन तल दो, तो अच्छी बात है बोल के चिकन तल दी। और शिफा जल्दी, तो 11 बज रहे आज हम लोगों को देर हो गई खाना खाने, बहुत देर हो जाती कभी मेरे को, कभी जल्दी बनाती हूँ मैं, तो ऐसा है। आए अद्रेसा, पापा को बुलाओ। तो मैं डालती हूँ पापा को दाल चा, देखो पूरे बैगन ही जल गए मेरे दिख रहे, इसने मस्का मस्का हो गया बैगन। क्या वशिफा मिला के दी? मैं चिकन तल दी थी तो मैं निकाल रही हूँ इसको, तो मैं खाना निकालती हूँ। देखो तो अच्छे से मसाला, मतलब ज़्यादा लगे मैं आज, चटपटा सा तली इसको, कभी कम लगता कभी ज़्यादा लगता मसाला मेरे से, तो मैं आज सोची आज अच्छा
मतलब मुंह का मजा खराब हो गया है इनका, बोल के बोल रहे थे तबीयत ठीक नहीं है उनकी, तो इसलिए चटपटा तेल सादा मसाला लगा के, 8 दिन से तबीयत खराब है इनकी भी, इसलिए खांसी बुखार ये चल रहा, तो मैं क्या करी मसाला ज़्यादा लगे जायका बदल जाता बोल के, इसलिए तो यहाँ पे मैं तल के निकाली दिखा। तो चलो ये वीडियो मैं यहीं पेंट करती हूँ, अल्लाह हाफिज़।